बचपन से बर्फ में खेलने का सपना था मेरा, पर एक मिडिल क्लास फैमिली के लड़के को बस फ्रिज की बर्फी नसीब हो पाती है। पर मैं निकल पड़ा हूँ अपने बचपन के सपने को पूरा करने इन बर्फीली पहाड़ियों की ओर। और यहाँ पहुँचने के लिए हमें जाना पड़ेगा दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे खूबसूरत रास्तों में से एक, हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे। ये रास्ते देखने में जितने खूबसूरत हैं उतने ही ज़्यादा खतरनाक और जानलेवा भी। लैंडस्लाइड्स, एक्सीडेंट्स, ये सब तो यहाँ आम बात है, पर फिर भी ये रास्तों से गुजरते वक्त एक चीज़ फील हुई कि अरिजीत सिंह सही कहता था, सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। पर जरा सोचो, जिस मंजिल का सफ़र इतना खूबसूरत हो उसकी मंजिल कितनी खूबसूरत होगी। मैं बात कर रहा हूँ हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में बसे एक छोटे से विलेज चितकुल की। जो के इंडिया के लास्ट विलेज के नाम से भी फेमस है। यह है इंडिया का आखिरी धावा, जहां आप मजे ले सकते हैं पहाड़ों वाली मैगी के, वो भी कुछ ऐसे व्यूज के साथ। ये एक रिमोट लोकेशन होने के वजह से यहां पर पॉल्यूशन ना के बराबर है। अकॉर्डिंग टू IIT दिल्ली रिसर्च, चितकुल में पाई जाती है इंडिया की क्लीनेस्ट एयर। क्लीन एयर के साथ साथ ये इंडिया का एक लास्ट ऐसा पॉइंट है जहां आप बिना किसी परमिट के ट्रैवल कर सकते हो। यहाँ बस कुदरत के बनाए हुए पहाड़, जंगल, नदियाँ ही खूबसूरत नहीं है, बल्कि इंसानों के बनाए हुए घर भी काफी खूबसूरत है। चितकुल उन गिने चुने जगहों में से एक है जहां आज भी वुडन हाउसेस मौजूद है। यहाँ हर घर से, हर जगह से दिखते हैं कुछ ऐसे नज़ारे। कुछ घर यहाँ वुड और कंक्रीट के कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं। ये जो आप देख रहे हो ये वुड है और ये है कंक्रीट। पूरे गांव में आपको ऐसे ही घर देखने को मिल जाएंगे जो कि देखने में काफी यूनिक और डिफरेंट से लगते हैं। ये है चितकुल की एकलौती पाठशाला जहां आज छुट्टी है, पर हम मिले यहाँ के एक छोटे से स्टूडेंट से। स्कूल नहीं जाते आप? स्कूल अभी बंद है? नहीं, छुट्टी है संडे।
संडे, संडे को छुट्टी। और फिर ठंडियों में, ठंड में, ठंड में तो छुट्टियाँ आती है, छुट्टियाँ होती है। और गर्मियों में स्कूल होती है। अच्छा है, हमारे यहाँ गर्मियों में छुट्टियाँ होती है और ठंड में स्कूल होती है। ये नल अगर बंद कर दिया जाए तो ये कुछ घंटों में फ्रीज हो जाएगा, इतनी ठंड है यहाँ पर। नमस्ते आंटी, यहाँ पे वो घराट है ना कहीं पे? हाँ हाँ, पानी नहीं है ना। अच्छा, उसमें पानी नहीं है, बंद है। कौन सी है ये? ये है यहाँ की नेचुरल आटा चक्की, लोकल लैंग्वेज में इसे घराट भी कहा जाता है। ये एक नेचुरल तरीका है आटा पीसने का और फ्री भी। ये घराट चलती है पानी से, जो कि आता है ऊपर के ग्लेशियर से इस पाइप की मदद से इस टरबाइन पर। और टरबाइन को अटैच है ये पत्थर, जो टरबाइन के साथ रोटेट करता है। ठंड के वजह से घराट की पाइपलाइन अभी खुलने की है। समर्स में घराट चलने लगती है और विंटर्स में ये बंद रहती है। और एक यूनिक और डिफरेंट चीज यह आपको देखने मिलेगी, वो है 500 साल पुराना ये मथी टेंपल। जो कि बना है पूरा वुड से। ये मंदिर बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वुडन आर्किटेक्चर का। ये वुडन कार्विंग्स आपको पूरे मंदिर पर मिल जाएगी। जो इस मंदिर के खूबसूरती को चार चांद लगा देती है। ये है चितकुल में बहने वाली बासपा रिवर। ये ऐसी लग रही है मानो पहाड़ों और बर्फीले पहाड़ों के बीच किसी ने लाइन खींच दी हो। एक तरफ बर्फ तो एक तरफ मिट्टी। बासपा रिवर के नाम से ही ये वैली को बासपा वैली भी कहा जाता है। नीले पानी से बहती हुई ये नदी, जो कि ओरिजिनेट होती है इन्हीं ग्लेशियर्स से। नदी क्रॉस करने के लिए बना हुआ है ये सुंदर सा पुल। जो इस बहती नदी के साथ बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये एक लौता रास्ता है इस फॉरेस्ट में एंटर करने का। पाइन और देवदार के फॉरेस्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं यहाँ के एयर क्वालिटी को बेस्ट बनाने में। हरे जंगल, बहती नदी और सफ़ेद बर्फ एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है किसी भी नेचर लवर के लिए।
अब होते आ रही थी शाम और शाम के साथ हमारे लिए कुछ और भी आ रहा था जिस बात से हम अनजान थे। आने वाले कुछ मोमेंट्स मेरे लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स में से एक होने वाले थे। मौसम अचानक बदल सा गया था, हवाओं की रफ्तार तेज हो गई थी, ठंड भी मानो एक सेकंड में बढ़ गई थी, तो हम चल पड़े थे अपने होमस्टेज की ओर। हम बस पहुंचने ही वाले थे पर उससे पहले हमें मिला एक सरप्राइज, स्नोफॉल। और ये देखकर मेरी सारी ठंड एक सेकंड में गायब हो गई। जहां मेरे फ्रेंड्स चले गए रूम के अंदर, वही मैं आ गया इस पीक पे अकेले स्नो के मजे लेने। ये मेरे लाइफ का फर्स्ट स्नोफॉल था। मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं था। बचपन में बस स्नोफॉल सुना था और देखा था टीवीज पर आज मैं खुद बेस्ट स्नोफॉल एक्सपीरियंस कर रहा था, वो भी बेस्ट जगह से। पूरे वैली के साथ साथ दिल, दिमाग, मन सब शांत हो चुका था। काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर, बहुत कम लोग होते हैं जिनको स्नोफॉल नसीब हो पाती है और हम उनमें से एक थे। ज़्यादा रिमोट और रिस्की होने की वजह से यहाँ तक ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आ पाते और जो यहाँ तक आ जाते हैं बस वही एक्सपीरियंस कर पाते हैं यहाँ की शांति और यहाँ के सुकून को। पहाड़ों में ज़िंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं है, हर चीज़ में एक नया चैलेंज होता है, पर फिर भी ये लोग खुश रहना जानते हैं और हम शहर की भागा दौड़ी में अपनी खुशी कहीं भूल से गए हैं। यहाँ आकर इन लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि इनके पास कुछ ना होकर भी बहुत कुछ है और हमारे पास सब कुछ होकर भी कुछ नहीं। तो एंड करते हैं आज के व्लॉग को बहुत सारी अच्छी यादों के साथ जो जिंदगी भर मेरे मन में घर बना कर रहेगी।